अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा होम एपीएन है, जो कि डिफॉल्ट एपीएन बोला जाता है जिसको, तो जियो में जाते हैं एक्सेस पॉइंट नेम। तो गाइस यहाँ पे क्लिक है जियो 4G, इस पर डिफॉल्ट पे, और हमें जो बीटा एपीएन है उसकी मैं स्पीड आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको जो डिफॉल्ट एपीएन है उसकी स्पीड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पीड टेस्ट ओखला का ये ऐप है गाइस, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या स्पीड मिलती है मुझे फिलहाल, जो मेरा होम एपीएन है या फिर डिफॉल्ट एपीएन बोल सकते हैं आप इसको। तो गाइस यहाँ पर स्पीड जो है काफ़ी अच्छी है मेरे एरिया में, तो अभी चेक ये करना होगा कि गाइस अगर वो एपीएन कहाँ वर्क करता है तो वो भी इसी ऐसे ही स्पीड देगा, अदरवाइज इससे कम स्पीड हो जाएगी उसकी, अगर वो एपीएन अच्छा नहीं होगा। वैसे गाइस मेरे यहाँ पे जो जियो का नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से मुझे डिफ़ॉल्ट एपीएन से काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। बट मैं आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लाता रहता हूँ, ऐसे एपीएन ढूंढता रहता हूँ जिससे कि आपको मदद मिल सके। तो गाइस मेरे जो डिफ़ॉल्ट एपीएन से डाउनलोड स्पीड है वो है 28 MB और अपलोड स्पीड है लगभग 8 MB। तो गाइस अब हम यहाँ से बैक करते हैं और जाते हैं सेटिंग में। तो गाइस ये जो एपीएन सेटिंग है ये उन्हीं बंदों के लिए है जिनका नेट नहीं चल पाता, जिनका चल पाता है डिफ़ॉल्ट एपीएन से, तो उन्हें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर किसी का डिफ़ॉल्ट एपीएन से नहीं चलता है जियो का नेट, तो गाइस उसको एपीएन क्रिएट करना होगा, न्यू एपीएन। तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको न्यू एपीएन में क्या क्या करना है। तो न्यू एपीएन में जाने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है स्पीड बोट V3.6 बीटा, गाइस सेम टू सेम लिखना है इसको, यहाँ से सेव कर देना है। फिर उसके बाद आता है एपीएन, एपीएन में आपको जाना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है जियो नेट। जियो नेट जैसे लिखा है गाइस सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एपीएन में बिल्कुल भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा एपीएन का सत्यानाश हो जाता है। तो गाइस प्रोक्सी आपको नो सेट कहने देना है, पोर्ट भी नो सेट। यूजर नेम पे आते हैं गाइस, तो यूजर नेम पे आपको बोट V3.6 इस तरीके से विदाउट स्पेस लिखना है। इसके बाद गाइस पासवर्ड आप नो सेट रहने दीजिएगा। सर्वर पे आते हैं तो यहाँ पे गाइस आपको लिखना है www.google.com, सेम टू सेम लिखना है गाइस। इसके बाद MMSC नो सेट, MMS प्रॉक्सी नो सेट, MMS पोर्ट नो सेट, MCC गाइस ये आपका एरिया कोड होता है, जैसे कि मेरा एरिया कोड है, अगर मैं इसमें छेड़खानी करता हूँ तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट एपीएन है वो मुझे ऐसी स्पीड नहीं देगा। अभी मैं कभी भी एरिया कोड MCC और MCC को नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये आपका एरिया कोड होता है। इसके बाद आता है गाइस ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको भी नो सेट रहने दीजिएगा। एपीएन टाइप आता है गाइस, इसमें आपके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा होगा तो डिफ़ॉल्ट लिखा रहने दीजिएगा, इसको भी मत छेड़े। इसके बाद गाइस आता है एपीएन प्रोटोकॉल, एपीएन प्रोटोकॉल में जाना है आपको। आपका यहाँ पे अगर आप एक न्यू एपीएन क्रिएट करते हो तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक मिलेगा IPv4 पे, तो यहाँ से हटा के आपको इसको इन दोनों पे क्लिक करना है, IPv4/IPv6 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस आपको एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है, अगर आपका IPv4 पे क्लिक है या IPv6 पे क्लिक है तो वहाँ से हटा के आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस एक सेटिंग आती है जिसका नाम है बियर। तो गाइस यहाँ से आपका जो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको टिक मिला हुआ पाएगा अनस्पेसिफाइड में, तो वहाँ से वो आपको टिक हटाना है। हटाने के बाद आपको टिक लगाना है LTE पे, HSPAP पे और HSPAP इस पे लगाने के बाद गाइस फिर आपको तीन क्लिक और लगाने हैं HSBPA, UMTS और GPRS। इन पे क्लिक लगाने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है सिंपली तरीके से, और गाइस अपनी होम स्क्रीन पे देखिए मोड की कुछ ना कुछ करके सेव आएगा आपकी सेटिंग को, ये जो आपकी एपीएन सेटिंग है ये आपको सेव करनी है। तो जैसे मैंने सेव कर लिया, अभी गाइस मैंने एपीएन बनाया है इसको, अभी मैंने एक्टिव नहीं किया है, तो गाइस मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ क्लिक करके। अब जो मेरा नेट है वो इस वाले एपीएन के थ्रू चलेगा, तो गाइस अब जो नेट है वो कनेक्टिविटी नहीं हो गई है, तो गाइस वैसे हो जाएगी एक दो बार चांस, कोशिश करना बन जाएगी। तो गाइस मेरा जो एपीएन है ये वाला एपीएन एक्टिव हो चुका है, स्पीड बोट V3.6 बीटा, आप देख सकते हो। अब मैं गाइस इसकी आपको स्पीड टेस्ट दिखाने वाला हूँ, स्पीड टेस्ट ओखला में गाइस। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ।
तो गाइस पहले जो सर्वर था वो दूसरा था, इस बार थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने एपीएन ही चेंज किया है। तो यहाँ से इसको गो कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस पता चल जाएगा कि ये एपीएन काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर करता होगा तो मुझे पिछले वाले एपीएन की तरह ही ये स्पीड देगा। अगर नहीं काम करता तो गाइस ये मेरी स्पीड खा जाता। वैसे तो ये काम कर रहा है गाइस, इसका मतलब कि आपका आपके लिए ये वाला एपीएन काफ़ी बेस्ट है। और डाउनलोड स्पीड गाइस यहाँ पे इससे आई है 24.1। अपलोड स्पीड अभी यहाँ पे काउंट हो जाएगी कुछ ही सेकंड में, तो यहाँ पे अपलोड स्पीड का भी पता चल जाएगा कि अपलोड स्पीड कितनी आती है। तो गाइस अपलोड स्पीड 5.75 आई है।